इस जैसी लड़की को मैं अपने घर की बहू तो दूर मुलाजमा भी ना रखूं। ज़बान संभाल के बात कीजिए आप। अगर आपने अपनी बेटी को संभाला होता तो मेरे यहाँ आने की नौबत नहीं आती। मेरी बेटी को आपकी बेटी और बेटे ने बरखलाया है। आपकी बेटी तो जैसे बहुत ही मासूम और भोली है। भोली ना होती तो आपके बेटे और बेटी के ट्रैप में ना आती। ट्रैप नहीं हुई बल्कि उसने बड़ी चलाकी से मेरे बेटे फरहाद को फंसाया। जी नहीं, मेरी मीशा ऐसी नहीं है। आप शायद उसे अच्छी तरह जानती नहीं, अगर जानती तो ये दावा नहीं करती। एनीवेज, अपनी बेटी को अच्छे से समझा दीजिएगा, अब मेरे बेटे से रابطہ ना करे। अगर उसने रابطہ किया, अभी बात चार दीवारी में की थी, फिर घर के बाहर आके तमाशा करूंगी। और यकीनन आप अपनी इज्जत का तमाशा लगाना नहीं चाहेंगे। आपको तमाशा करना है ना, अपने घर जाके करें। आपने बहुत कुछ कह लिया और मैंने बहुत कुछ सुन लिया। निकल जाए मेरे घर से अभी इसी वक्त। जाइए। ये शुरफा वाली इज्जत का ढोंग आपके चेहरे पे जचता नहीं है। अच्छे से समझा दीजिएगा अपनी बेटी को। बढ़िया है। मुझे मीशा से बात करनी है अकेले में। देख लिया तुमने? देखा तुमने कितनी बातें सुना के गई है वो। अभी तुम हमारे सर झुकाओगी, अभी तुम हमें जलील करोगी, हमारी इज्जत से खेलोगी तुम। नहीं अम्मी, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मेरे घर वालों का सर झुके। मैं फरहाद से बात नहीं करूंगी। आप मेरा फोन भी रख ले, मैं मारिया से भी बात नहीं करूंगी। अम्मी, मुझे आपकी और अपने घर वालों की इज्जत के अलावा और कुछ अजीज नहीं है।